अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, एंड बेनवेनुती इन इटालियन ढाबा। आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़े का मीठा बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लबेशिरी। इसका नाम जितना मुश्किल है ये बनाने में उतना ही आसान है और खाने में उतना ही मज़ेदार है, बशर्ते कि बहुत अच्छा सा ठंडा हुआ हो। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमने सबसे पहले 1 लीटर दूध लिया, 1/2 कप और 2 खाने के चम्मच चीनी ली है। 2 खाने के चम्मच चीनी मैंने फालतू लिया, वो क्यों लिया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, 2 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप्स हैं, 2 खाने के चम्मच धुले हुए और कुटे हुए बादाम हैं। इसके साथ 2 जेलीज ली हैं, 1 बनाना जेली है, 1 स्ट्रॉबेरी जेली है। अनानास लिया है, इसके 4 रिंग्स हैं। अनार लिया है, आम और केले, आप अपनी मर्जी का भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेलीज बनाएंगे, उसके लिए हमने ये 2 कप पानी लिया है और जो 2 टेबलस्पून हमने चीनी फालतू ली थी वो इसमें डाल देंगे। जब पानी उबल जाएगा तो हम आधा पानी 1 जेली में डाल देंगे और आधा दूसरी में डाल के इसको सेट होने के लिए रख देंगे। जेलीज को हम सेट होने के लिए रख देंगे। और इसके साथ मैं भूल गई थी आपको बताना कि ये कलर सेवैया 1/2 कप, इनको भी हम उबालेंगे और इसके साथ दूध को भी उबॉइल कर लेंगे कस्टर्ड बनाने के लिए। जितनी देर दूध उबल रहा है इतनी देर हम जो कस्टर्ड पाउडर हमने लिया है इसको 1/4 कप दूध में हल कर लेंगे। आपकी मर्जी, आप इसी में से दूध ले लें या अलहदा से ले लें, मैं अलहदा से लूंगी और इसमें इसको हल कर लूंगी। अब हम सबसे पहले इसमें चीनी डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह और 2 मिनट के लिए दूध को उबलने देंगे। दूध को उबलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और कस्टर्ड को अच्छी तरह से हल करके, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, अच्छी तरह से इसको हल कर लें और फिर इसके अंदर डाल दें। कस्टर्ड जो है अभी थोड़ा सा पतला है क्योंकि जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जो है और हल्का के इसमें मिक्स करेंगे। कस्टर्ड हमें इतना ही थिक और स्मूथ चाहिए था। अब हमने इसको 1 मिनट पका लिया है, चूल्हे को कर देंगे बंद, इसको हम करेंगे ठंडा और इतनी देर हम अपने फ्रूट भी काट लेंगे और लबे शीरी को बहुत यमी और अच्छा मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं और वो हम क्या डालने वाले हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। जेलीज हमारी सेट हो चुकी है, इनको भी अब हम काट लेंगे, छोटे छोटे क्यूब ही काटेंगे जैसा हमने फ्रूट काटा है। कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, जेलीज जो है वो हमने काट ली है, फ्रूट को भी काट लिया है, सेवैया उबल चुकी हैं, हर चीज़ तैयार है, इसको हमने मिक्स करना है। इसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें इन सब चीज़ों को मिक्स करना है।
कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, सारी चीज़ें तैयार है। इसको हमने एक बड़े बर्तन में डाल लिया है और अब हम इसमें अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है वनीला आइसक्रीम। ये हाफ लीटर वनीला आइसक्रीम है, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये आइसक्रीम जो है घर में बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं कि इसको कैसे बनाया तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया। इसको हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ सारी चीजें बारी बारी इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये ले जी, हमारा मज़ेदार सा यमी सा लबेशीरी बनकर तैयार है। इसको अब हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जब अच्छी तरह चिल हो जाएगा तो फिर इसको एंजॉय करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप अपने किचन में इसको बनाएं और हमें बताएं कि अगर आपने इसमें आइसक्रीम डाली है तो आपने पाया। अगर आपको पसंद आए हमारी रेसिपी तो इसे अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर करें और कमेंट